में तेजी से फैल रहा कोरोना, 13,146 नए केस सामने आए। श्रीलंका में सोशल मीडिया पर बैन, एफबी, ट्विटर, व्हाट्सएप हुए आउट ऑफ सर्विस। अनंतनाग के बीच बिहाड़ा में लश्करे तैयबा का आतंकी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 103.41 तो डीजल 94 रुपए प्रति लीटर हुआ। आज काशी जाएंगे नेपाल के पीएम देवबा, सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी बुलेटिन की। गाजियाबाद की राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर में पढ़ने वाली छात्रा रोशनी प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने दिल्ली के तालकटोरा पहुंची थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री से पूछे गए सवाल में रोशनी ने खूब तालियां बटोरी। जिसके सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रोशनी ने यह सवाल स्टूडेंट के लिए नहीं पूछा है, बल्कि बड़ी चतुराई से टीचर और पेरेंट्स के लिए पूछा है। जिसके बाद उलझन में चल रहे हैं टीचर्स और पेरेंट्स को संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर बच्चे की एक सीमा होती है, उसका सामर्थ्य पहचान कर उसे सही दिशा देने का काम करें। सर, आपको कैसा लगा आज प्रधानमंत्री जी से आपकी बेटी की बात हुई? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। प्रधानमंत्री जी ने कुछ पेरेंट्स को और शिक्षकों को भी कुछ निर्देश दिए, तो उनको सुन के आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा है बच्चों को उनकी बिल्कुल उम्मीदों का बोझ ना, बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ कि बच्चों के ऊपर जो है बोझ ना दिया जाए और बच्चों की सपोर्ट की जाए। अगर पढ़ने में बच्चा सही है तो उसकी पूरी सपोर्ट करनी चाहिए और उसको उसके एम तक पहुँचाना चाहिए। रोशनी डॉक्टर बनने का एक ख्वाब रखती है, तो उसमें आपकी क्या? मेरी राय यही है कि जो इसका एम है वो सपना बन के नहीं हकीकत बन के आगे आना चाहिए। कोशिश मेरी इतनी है कि जहाँ तक है मैं कोशिश करूँगा, कहाँ तक पहुँचते हैं ये मालिक जाने। रोशनी, आपको कैसे पता चला कि आपको प्रधानमंत्री जी जो परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं उसमें आपको भाग लेना है? मेरी क्लास टीचर मैम ने बताया था मुझे, और मुझे एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी कॉल आया था कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो इस वजह से मुझे पता चला। प्रधानमंत्री जी से आपने क्या सवाल किया जिसके लिए आपके सवाल में सबसे ज़्यादा तालियां बटोरी? मेरा सवाल था कि मुझे आश्चर्य है कि क्या छात्र परीक्षा से अधिक डरते हैं या माता पिता और शिक्षकों से? क्या हमें परीक्षा को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए जैसा कि हमारे माता पिता और शिक्षक हमसे उम्मीद करते हैं, या बस त्योहारों की तरह उनका आनंद लें? इसमें नोटिस था पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स ने तो खैर सवाल मैंने पूछा ही था, तो नोटिस दिया एक पेरेंट्स और टीचर्स को कि उन्हें या स्टूडेंट या अपने चिल्ड्रन को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए या उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए उनको उनको फुल। राजस्थान में डॉक्टर अर्चना शर्मा के खुदकुशी मामले में पूरे देश में डॉक्टरों ने सर्वव्यापी हड़ताल की है। इसी कड़ी में मऊ जिले के IMA के सभी डॉक्टरों ने एक साथ मिलकर लामबंद होकर कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे जब भी किसी डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान मरीज के मौत पर परिजनों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाए, पहले जांच हो फिर एक्शन लिया जाए। IMA मऊ के द्वारा और तमाम हमारे फॉक्सी नर्सिंग होम एसोसिएशन के द्वारा मऊ में सारे मऊ क्या पूरे देशव्यापी हड़ताल है, जिसमें हमारा मऊ भी समर्थन कर रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी डॉक्टर एक बहुत ही जो सेंसिटिव वर्क रहता है, किसी के जीवन को हाथ में लेके अपना रिस्क लेके काम करता है, तो उसमें अगर कोई आदमी की स्वतः स्वाभाविक मृत्यु भी हो जाती है, अस्पताल कोई सीरियस मरीज आया अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, तो हर मृत्यु में लोग ये आजकल खोजने लगे हैं कि डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। तो मैं आपके माध्यम से समाज से और पूरे प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो व्यवहारिक मृत्यु होती है, जिसको कोई उम्र से मर रहा है, कोई आखिर
कॉम्प्लिकेशन से मर रहा है, जो मेडिकल साइंस में एक विदित है कि इस बीमारी में इतनी परसेंटेज डेथ होती है, तो उस बात को हर लोग समझें, जागरूक हों और ये ना सोचे कि कोई भी मृतक का दोष डॉक्टर पर दिया जाए। तो आज हमारी जो मांग है कि प्रशासन से प्रशासन इस बात को समझे कि हर मौत के पीछे डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। जो ये सारे हमारे डॉक्टर साहब लोगों ने राजस्थान में घटना हुई थी डॉक्टर अर्चना शर्मा जी के साथ, उसी के संबंध में कि ये जनहित में और नेक नियति से अपना काम करते हैं, अगर कोई मरीज के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसमें इनके साथ इस तरह से बिना जांच के और बिना सोचे समझे कोई इस तरह से गंभीर कार्रवाई ना हो, जिससे वो विचलित हो गए और इस तरह की निर्णय लेने के लिए बाध्य हो। इनका कहना है ये कि जो भी है इसमें पहले जाँच हो, कमेटी से जाँच हो, तो नियमानुसार कार्रवाई। मुस्लिम समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र महीना यानी रमजान दुनिया भर में शुरू हो गया है। वही मुस्लिम समुदाय के द्वारा पूरे महीने रोजे रखकर इबादत की जाती है। मुस्लिम समुदाय में कहा जाता है कि पूरे महीने रोजे रखने का एक मकसद ये है कि जो लोग बगैर खाए पिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके इस व्यक्तित्व जिंदगी के बारे में रोजे रखकर व्यतीत किया जाता है, ताकि व्यक्ति को खाने पीने की चीजों का महत्व याद रहे, साथ ही गरीब लोगों के प्रति मोहब्बत भी कायम रहे। तो आपको बताते चले कि देश में जहां एक तरफ नवरात्र के पर्व की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं अब रमजान का पाक महीना भी शुरू हो गया है। चांद के नजर आने के बाद से ही रमजान का ये पावन पर्व शुरू हो गया है। मैं सबसे पहले तो खुशी का इजहार करना चाहता हूं कि 2 साल बाद हमें मस्जिदों के अंदर पूरे तरीक़े पर नमाज अदा करने का मौका मिल रहा है, लेकिन हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कोरोना अभी पूरे तौर पर ख़त्म नहीं है, कहीं कहीं इसके मरीज़ पाए जा रहे हैं, तो हम अपना मस्जिदों के अंदर एहतियात से नमाज अदा करें और भीड़ भाड़ के इलाकों में बेवजह जाने से बचें, इसलिए कि ख़ास तौर पर भीड़ की जगह में कोरोना के लौटने के ज़्यादा चांस हैं। इसके अलावा हमारे जो अहबाब हैं रोज़ा रखने की हालत में भूख में कोरोना के ज़्यादा लगने के चांस होते हैं, तो मास्क वगैरह का भी इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह कोरोना हमारे यहाँ दोबारा। लालगंज के रामलीला मैदान स्थित दुर्गा मंदिर में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक महिला को चोट आई है। बता दें कि दुर्गा मंदिर में 2 पक्षों के मध्य मंदिर में कब्जेदारी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रतिवर्ष धार्मिक आयोजनों के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ जाने पर विवाद की स्थिति बन जाती है। इस बार भी यही हुआ। शनिवार की देर शाम मंदिर में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर एक पक्ष ने विरोध जताया, जिसको लेकर दूसरे पक्ष से कहा सुनी हो गई। इसी बीच एक महिला ने लाठी से वार कर दिया, जो दूसरे पक्ष की एक महिला के सर पे जाकर लगी, जिससे उसके सर पर गंभीर चोटें आ गई हैं। मामले की जानकारी मिलते ही लालगंज पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। खबर गाजीपुर से है, जहां गेहूं के खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने मौजूद पीड़ित परिवार के सदस्यों से घटना के संबंध में जानकारी लेने के बाद एसपी ने मामले में अग्रिम कार्रवाई करने का पुलिस को निर्देश दिया है। घटना के संबंध में पुलिस अभी भी कुछ भी बताने में असमर्थ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने दूर से संचालित वाहनों की रोबोटिक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में करीब 5 टीमों ने भागीदारी की, जिनमें एक टीम में कुल 5 लोग शामिल थे। प्रतियोगिता में शामिल हुए छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा अहमदाबाद यूनिवर्सिटी सहित कई टेक्नोलॉजी संस्थान के छात्र शामिल हुए थे। कार्यक्रम में सभी टीमों ने अपने यंत्रों को स्विमिंग पूल में उतारा और छात्रों द्वारा प्रतियोगिता दिखाई गई। यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नेशनल लेवल इवेंट चल रहा है,
ROV मतलब रिमोट ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स का, तो हम लोग बस यही नेशनल कंपटीशन के लिए आए हुए हैं। किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है? रिस्पॉन्स काफ़ी सही रहा है, काफ़ी सारे टीम से, काफ़ी सारे स्टेट से टीम आई हुई है, कुछ गुजरात से जैसे हम आए हुए हैं, कुछ दिल्ली से आए हुए हैं, कुछ तमिलनाडु से आए हुए हैं, फिर यहाँ का लोकल टीम भी है। तो गेम्स हो रहे हैं या क्या है? गेम्स मतलब ऐसे तीन टास्क में डिवाइडेड है पूरा कंपटीशन। टास्क वन वो सरफेसिंग का है, वाटर सरफेस के ऊपर कुछ शेप्स बनाने के रहते हैं। फिर टास्क टू है, उसमें दो गेट से पास होकर बाद में बलून बस्ट करना है, बलून फोड़ना है। फिर थर्ड टास्क है, उसमें सारे बॉल्स इकट्ठे करके बॉल बाहर निकालने हैं। ऐसे तरह के सारे टास्क है, जिससे कि ये जो है छोटे छोटे टास्क ऐसे करके डिवाइड किए हैं, जो कि बाद में अपने को ओशन और मरीन ड्राइव जो भी है वो एक्सप्लोर करने में काफ़ी हेल्प रहा है। हम यहाँ पे एक अंडर वाटर रोबोटिक्स कंपटीशन के लिए आए, जिसे कहते हैं ROV चैलेंज, जो AMU ने ऑर्गेनाइज करा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। तो ये एक गेम होता है कि रिमोट से हम अपने रोबोट्स को पानी के अंदर चलाएंगे। तो जो पानी के अंदर टास्क होते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट पिक करना, किसी बलून को रिकॉग्नाइज करना, कैमरा से कोई ऑब्जेक्ट देखना है कि ये अंदर क्या पड़ा है पानी के अंदर, ये क्या है, उधर कोई चीज़ रखी है हमने, क्या नहीं रखी है, इसके लिए। तो वैसे सब टास्क के लिए इन लोगों ने छोटे छोटे गेम्स बनाए हैं, वो गेम्स में हमें परफॉर्म करना आता है टास्क। टीम में अगर 500 टीमें बनाए तो 40 हर टीम में 5 मेंबर्स अलाउड हैं, पर कुछ टीम्स अपने साथ और मेंबर्स लाई हैं फॉर एक्सपोजर, और टोटल 40 मेंबर्स 40 टीम्स पार्टिसिपेंट्स हैं। और अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में नेकपुर फाटक से जेल तिराहा महाराणा प्रताप चौक से 6 सड़का तक पुलिस ने फुट पेट्रोलिंग करते हुए जनता के साथ संवाद किया। इस दौरान नवरात्रि के अवसर पर पुलिस ने मंदिरों और देवालयों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। साथ ही जनपद में स्कूल, कोचिंग सेंटरों, शॉपिंग मॉल और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर एंटी रोमियो स्क्वाड की अब तैनाती भी कर दी गई है, जिससे कोई भी मनचला महिलाओं और बालिकाओं को परेशान न कर सके। तो जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों निर्देश दिया था कि नवरात्र के पहले दिन से ही एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव हो चुका है, यानी कि सक्रिय कर दिया गया है, इसी कड़ी में पुलिस द्वारा भी एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती कर दी गई है। बदायूं में भी पुलिस द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती की गई है, जिससे कोई भी मनचला महिलाओं और बालिकाओं को परेशान न कर सके। उत्तर प्रदेश शासन, अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन महोदय, IG रेंज बरेली महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में बदायूं पुलिस द्वारा आज सायंकाल से ही भीड़भाड़ वाले इलाकों पे फुट पेट्रोलिंग की कार्रवाई की गई। मार्केट, मॉल, जो भी रास्तों में जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, उसमें मुख्यालय स्तर पर प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा व सर्किल लेवल पर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में फुट पेट्रोलिंग की कार्रवाई की गई, और रास्ते में जहाँ भी अतिक्रमण या अन्य तरह की चीज़ें पाई गई, इनको हटवाने के लिए भी निर्देशित किया गया और जनता के व्यक्तियों से संवाद स्थापित किया गया। उसके अतिरिक्त महिला सुरक्षा हेतु गठित विशेष दल द्वारा भी व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि स्कूल, कॉलेज और अन्य स्थानों पर जहां पर महिलाओं का या लड़कियों का, छात्राओं का आवागमन होता है, उन स्थानों पर इनकी ड्यूटी लगा करके सादे में, और हर तरह से इनमें एक सुरक्षा की भावना डेवलप हो और अपराधों पर प्रभावी अंकुश लग सके, इसके लिए निरंतर। आगामी त्यौहार के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट है। वहीं आगरा ADG राजीव कृष्णा, IG निचिकिता झा, SSP सुधीर कुमार ने फोर्स के साथ बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गश्त किया। साथ ही ADG राजीव कृष्णा ने जनता से अपील की कि सभी लोग नवरात्र और रमजान पर्व को शांति से बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार के साथ मनाएं। तो आपको बताते चले, जहां एक तरफ नवरात्र और रमजान चालू हो चुका है, इसी के मद्देनजर अब पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं आगरा में पुलिस ने गश्त करते हुए लोगों से यह अपील की कि वो दोनों ही पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ और शांति के साथ अपने परिवार के लोगों के साथ मनाएं। और आज पूरे प्रदेश में और जोन के सभी जनपदों में, हर एक थाना क्षेत्र में सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी, उन्होंने फुट पेट्रोलिंग भी अपने क्षेत्रों में की है। और इसके पीछे यही उद्देश्य है कि एक तो पुलिस की विजिबिलिटी बढ़े, नागरिकों के मन में एक विश्वास पैदा हो, पुलिस की सक्रियता जो कि हमेशा रहती है
न केवल रहे बल्कि जितने भी और जनसंपर्क भी बढ़े। आगामी त्यौहारों को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? आगरा में अभी ये त्यौहारों का सीजन शुरू हो गया है, नवरात्रि शुरू हो गए हैं, कल से रमज़ान शुरू हो गया है और ये सभी त्यौहार लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं, शांति के साथ मनाएं। इसके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी हैं पुलिस के द्वारा और बाकी विभागों के द्वारा वो हमेशा की जाती भी रहेंगी और इस बार फर्रुखाबाद के रेल ट्रैक पर शनिवार की सुबह ट्रेन से कटकर 7 गोवंश की मौत हो गई। वहीं ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव ट्रेन से कटी गायों के शव को दफनाने की जगह कटवा कर फिकवा दिया गया और गायों के शवों को कुत्ते नोच रहे थे। वहीं अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ग्राम सचिव आदित्य ने धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि जिसको जहां शिकायत करनी है वो कर दे। तो जहां एक तरफ गौवंशों को लेकर योगी सरकार लगातार अभियान चला रही है, गौवंश खोल रही है, गौशालाएं खोल रही है, लेकिन अब फर्रुखाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे ये साफ जाहिर होता है कि किस तरह जमीनी स्तर पर योगी सरकार के आदेशों का पलीता लगाया जा रहा है। खबर सीतापुर से है जहां चैत नवरात्र की शनिवार को धूमधाम से शुरुआत हुई। वही हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सीतापुर से खैराबाद में स्थित प्राचीन मां गौरी देवी मंदिर में मोहल्ला भूलनपुर में चैत नवरात्रि के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा मां गौरी देवी मंदिर से होते हुए महर्षि गुरुदयाल दास आश्रम कटरा संगत से जल भरकर हनुमान मंदिर अर्जुनपुर नए बाजार होते हुए पुनः मां गौरी देवी मंदिर में कलश की स्थापना हुई। साथ ही श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ जिसमें मां गौरी देवी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार मिश्र कोषाध्यक्ष शामिल हुए। इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार शाम को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की हार हुई। गुजरात टाइटंस ने लगातार ये दूसरा मैच जीता है और दिल्ली को 14 रनों से मात दी है। गुजरात ने दिल्ली को 172 रनों का टारगेट दिया था लेकिन दिल्ली की टीम 157 रन ही बना पाई। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बढ़िया नहीं हुई और पावर प्ले में ही टीम ने अपने 3 विकेट गंवा दिए। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहतरीन रही। लगातार 2 जीत के बाद गुजरात पॉइंट्स अब टेबल टॉप पर नंबर 3 पर बनी हुई है। तो बताते चले कि इस वक्त आईपीएल के फैन लगातार जो है वो अपनी टीमों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अगर बीते दिनों जो आईपीएल के मैच हुए अगर उसकी बात करी जाए तो गुजरात टाइटंस ने अब पावर टेबल में टॉप 3 पर अपनी जगह बनाई है। गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहतरीन रही। लगातार 2 जीत के बाद गुजरात पॉइंट अब टेबल में टॉप 3 पर आ गया है। वही अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो दमदार बल्लेबाजी के साथ इस बार गुजरात टाइटंस मैदान में उतरा है। वहीं अगर बल्लेबाजी में पंत ब्रिगेड की टीम को देखा जाए तो उन्होंने पावर प्ले में ही अपने 3 विकेट खो दिए थे। खबर प्रतापगढ़ से है जहां जिले के लालगंज एसडीएम ने 30 मार्च को तहसील में नायब नाजीर पद पर कार्यरत सुनील कुमार शर्मा की पिटाई कर दी थी। कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। क्लर्क का इलाज लालगंज के ट्रामा सेंटर में चल रहा था लेकिन गंभीर हालत होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भी उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि लालगंज कोतवाली के लालगंज तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जब लालगंज में हमारे कर्मचारी साथी सुनील शर्मा को इतने डंडे से पिटाई करी कि उसकी डेथ हो गई। आज हम लोग उसको हॉस्पिटल में भी देखने आए थे। जिलाधिकारी से भी हमने बात किया, एडीएम साहब जो बैठे हैं इनसे भी मेरी बात हुई
और प्रशासन दो दिन तीन दिन तक एकदम ढीला पड़ा रहा, जिससे मेरे कर्मचारी साथी की मृत्यु हो गई। हमने कल मुख्य सचिव से, अपर मुख्य सचिव से ही मांग किया था कि इसे SDM की तत्काल जो है सस्पेंड करके और हमारे कर्मचारी को न्याय दिलाया जाए। अब क्या मांग है मौत के बाद? मौत के बाद उसके विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए SDM लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम यादव सिंह के विरुद्ध, और इसके नीचे कोई समझौता नहीं होगा। मेरा मेडिकल करा दिया जाए, तो तुरंत उसने आदेश कर लिया मेडिकल कराने के लिए, उसका मेडिकल कराने के लिए, और उसने तुरंत जिलाधिकारी मेडिकल जाँच स्थित की गई, जिसमें CRO साहब को जाँच। कल इनकी तबीयत दोपहर बाद खराब हुई, तो उनको लालगंज CHC में वहाँ पर एडमिट कराया गया और रात भर वहाँ इलाज चला, और सुबह दोपहर के बाद वहाँ से इनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, और यहाँ पर तबियत खराब होने पर आज अपने डॉक्टर्स ने इनको सर ऐसा क्या हो गया था कि 30 तारीख को जब SDM साहब ने घर जाके दरवाज़ा तोड़ के मारा, उसके बाद लॉकअप में भी मारा गया इनको, लॉकअप ले जाके मारा गया, थाना लालगंज भी ले जाया गया था। अब ये सब पूरी जांच की चीज़ें हैं, जांच कर रहे हैं। रेफर होने के बाद परिजनों का आरोप है कि वापस एम्बुलेंस उतार लिया गया और यहाँ पर इलाज में लापरवाही की गई, सब चीज़ें देखी जाएंगी, बिल्कुल एक एक बात को देखा जाएगा किसी तरीके से। सर SDM लालगंज के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, उस संबंध में भी देखा जा रहा है। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।